हम लोगों ने यही प्रदर्शन किया है कि जो अत्याचार पाकिस्तान में हो रहा है हिंदू धर्म के लोगों पर, हिंदू लड़कियों पर ज़बरदस्ती उनसे शादी करके मुस्लिम बनाया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। राष्ट्रपति से क्या मांगी आपने? हमारी यही मांग है जो वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं उन्हें रोका जाए। का प्रोटेस्ट था किसकी तरफ से था और किसके खिलाफ था? देखिए, अभी हाल ही में पाकिस्तान में रह रहे हमारे सिंधु और सिख भाइयों पर जब से कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटाई गई है, वहाँ के मुस्लिम समाज द्वारा हिंदू वहाँ रह रहे थोड़े से हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक घोटकी नाम का शहर है जिसमें वहाँ जो है एक मियां मिट्टू नाम के शरारती व्यक्ति के कहने पर स्कूल के एक प्रिंसिपल पर झूठे आरोप लगाते हुए समस्त शहर में उपद्रव शुरू किया गया, हिंदुओं को मारा गया, उनके धर्म स्थल तोड़े गए और एक हिंदू छात्रा की हत्या भी की गई। इस सब के विरोध में हम लोग महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देने जिलाधिकारी के माध्यम से यहां उपस्थित हुए हैं। क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है वहां पर सजा मिले। हमारे हिंदू भाइयों पर, सिख भाइयों पर हो रहे अत्याचार तुरंत रुक जाने चाहिए। भारत सरकार को शीघ्र ही इस संबंध में पाकिस्तान सरकार से विरोध दर्ज कराना चाहिए जिससे कि दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो पाए। क्या नाम है आपका? क्या मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं यहाँ सिंधी समाज का अध्यक्ष हूँ। लोगों ने ज्ञापन दिया, क्या डिमांड की है? आज हिंदू समाज, सिंधु समाज की तरफ से पाकिस्तान में उनकी बहन बेटियों के संबंध में हो रहे वाणी अत्याचार संबंध में ज्ञापन दिया गया कि शासन इसके संबंध में सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कि पाकिस्तान में रह रही उनकी बहन बेटियों की इज्जत बची रहे।